नमस्कार साथियों, आज मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी समस्या डीएपी खाद की और अन्य खाद जो बाजार में नहीं मिल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर नहीं मिल रहा है, उस समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन को अब तक 3 पत्र लिखे हैं। पिछले 1 माह से लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि गंगापुर सिटी में आज तक खाद की रैक नहीं आई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में खाद नहीं पहुंचा है, किसान मारा मारा फिर रहा है, फसल बुवाई का बिल्कुल उपयुक्त समय है। ऐसे में सरकार की इस प्रकार की बेरुखी, कृषि विभाग और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिस प्रकार का व्यवहार रहा है, जिस प्रकार की उनकी कार्यप्रणाली रही है, निश्चित रूप से यह जांच का विषय है। अगर सरकार के इशारे पर यह हुआ है तो बहुत दुखद है। विभाग के स्तर पर लापरवाही हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, किसानों के साथ में जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है, किसानों को जल्द से जल्द सवाई माधोपुर जिले में खाद उपलब्ध हो, विशेष करके गंगापुर में जो किल्लत है उसको दूर किया जावे, ये मेरी आपसे मांग है। इसी के साथ साथ आज हमारे जिले में और तहसील में जो किसान, जो हमारे राजस्व कर्मी हैं, जो हमारे पटवारी और नायब तहसीलदार धरने पर बैठे हैं, मैं सरकार से कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार के स्तर पर जो निर्णय हुआ है उनकी बात को स्वीकार किया जावे, उसको माना जावे, और ये जो प्रशासन शहरों के और गाँवों के संग जो चल रहे हैं, इस अभियान का कोई तुक नहीं है, इस अभियान का कोई मतलब नहीं है। जब प्रमाणीकरण के लिए और प्राथमिक दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पटवारी वहाँ पे नहीं है तो इसका कोई मायने नहीं है। इसलिए धन और समय की बर्बादी नहीं करके जनता को वास्तविक लाभ मिल सके, इसके लिए इनकी मांगों को माना जावे और प्रशासन शहरों के संग और गाँवों के संग अभियान को सफल बनाया जावे। मैं समझता हूँ अगर इनके बिना एक अभियान चलता है तो इसका कोई मायने नहीं रही है। मेरा मानना है कि सरकार पूर्णतः फैले। साथियों, आप सबसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि जनता के हितों पर जिस प्रकार सरकार कुठाराघात कर रही है, आपको और हमको खड़ा होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।